फिर वन विभाग की बड़ी लापरवाही उजागर। लाखों रुपए खर्च कर तैयार की गई सागौन की कलम 8 से 10 बोरी नदी में मिली तैरते। मुंगेली जिले की वन परिक्षेत्र खुड़िया में एक बार फिर वन विभाग की बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। सागौन प्लांटेशन के छोटे छोटे कलम और खस घास का सूखा पौधा पानी में फेंक दिया गया, जिसे वन विभाग कारी डोंगरी नर्सरी से बिचरा कछार सर्किल प्लांटेशन के लिए ट्रैक्टर के माध्यम से भेजा गया था। जानकारी के मुताबिक बोरियों में सागौन का कलम और खस घास प्लांटेशन के पौधे थे, जिसे मनियारी नदी से जब्त किया गया। उक्त पौधे को अन्य राज्यों से लाखों रुपए खर्च करके मंगवाया गया है, जिसे मनियारी नदी में जिम्मेदार अधिकारियों के इशारे से फेंक दिया गया था। मामले की सूचना वन समिति के सदस्यों को मिलते ही उनके द्वारा मौके का मुआयना किया गया। इस दौरान उन्हें नदी के नीचे जल भराव में 8-10 से अधिक बोरियां दिखाई दी, जिसे बाहर निकालने पर उसमें छोटे छोटे प्लांटेशन के लिए तैयार पौधे दिखाई दिए, जिसकी सूचना तत्काल विभाग के अधिकारियों को दी गई, जिस पर उनके द्वारा अनभिज्ञता जाहिर की गई। वहीं वन विभाग की उड़न दस्ता टीम मौके पर पहुंचकर जब सभी प्रभावित नदी में मौजूद बोरियों को पानी से बाहर निकाला गया, तो टीम के सदस्यों को प्लांटेशन के लिए तैयार पौधे भरे हुए लगभग 10 से अधिक बोरी मिली, जिसे जब्त करने की कार्रवाई की गई है। यहां पे बता दें कि शासन प्रशासन लगातार पौधा रोपण कर पर्यावरण को बढ़ावा देने हर यथासंभव प्रयास कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर इससे जुड़े अधिकारी ही पर्यावरण को नष्ट करने पर तुले हुए हैं। इस पूरे मामले में कारीडोंगरी वन विभाग के अन्य कर्मचारियों की भूमिका संदेह के घेरे में है। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि इस मामले से जुड़े लोगों के ऊपर क्या और कब तक कार्रवाई होती है। मुंगेरी से प्रीतम दिवाकर, छत्तीसगढ़ विजन टीवी।